हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो एग्जामिनेशन की चल रही होगी वेल इनफ, बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है ICMR की तरफ से, जिसमें आपको LDC, UDC एंड स्टेनोग्राफर तीनों ही पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रहने वाली है। ग्रुप सी की मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगी सारी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो अगर आप भी इसको लेकर इंटरेस्टेड हो, इसके बारे में जानना चाहते हो, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर वॉच करना। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स की ICMR NCDIR, इसमें आपको LDC, UDC और स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में बात आई होगी कि ICMR और NCDIR क्या होता है। ICMR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके थ्रू आपको नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक एंड रिसर्च के लिए, जो आपका सेंटर है ना, उसमें आपको LDC, UDC और स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर वैकेंसी आई है। जैसा आपको बताया, तीन पोस्ट है, LDC, UDC, स्टेनोग्राफर, तीनों ही ग्रुप सी की मंत्रालय की जो आपकी वैकेंसी है वो है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, LDC के लिए 10+2 पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, UDC के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 पास आउट। मतलब कि जो आपने अगर 10+2 पास आउट कर रखा है इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या परसेंटेज है, बस पास हो अप्लाई कर देना। सेम चीज ग्रेजुएशन में है, आर्ट, साइंस या कॉमर्स इससे मतलब नहीं है, अगर आप पास आउट हो अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बता देते हैं, अप्लाई की बात आई है तो अप्लाई कब से कब तक होगा। तो आपका ये फॉर्म ना ऑलरेडी स्टार्टेड है 28 नवंबर से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 29 दिसंबर 2023 रहने वाला है। बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 29 दिसंबर, क्योंकि उस समय तक ना सर्वर इशू वगैरह बहुत ज्यादा फेस करना पड़ जाएगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो फॉर्म अप्लाई करना है तो अप्लाई कर ही दो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब रही बात की एज की लिमिट क्या रहेगी, तो आपका जो एज है फ्रेंड्स, मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 27 इयर्स रखी गई है। रिलैक्सेशन मिलता है, जैसा आपको पता है OBC को 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। और फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो फी क्या लगेगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है। जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 300 रुपीज, वहीं पर SC ST कैंडिडेट्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड और ऑल कैटेगरी फीमेल, उनसे कोई भी फी वगैरह यहाँ पर चार्ज नहीं की जाएगी। आइए, अब इतना सब कुछ जान लिया है तो अब ये भी जान लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। सो फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CVT, विच मीन्स कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपको प्रथम जो चरण में आपको पास करनी होगी। देन स्किल टेस्ट होती है, और उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर सिंपल सा आपका मेडिकल होगा, आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचने से पहले जो फर्स्ट स्टेज है आपका ऑनलाइन CVT, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो फ्रेंड्स पेपर होता है ना, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 90 मिनट्स, और निगेटिव मार्किंग भी है, तो बी अवेयर, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 का है। तो जैसा आप देख रहे हो कि 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के लिए, तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट से होगा मैं अभी बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। तो जैसा अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर से भी 20 क्वेश्चन है, तो इससे आप ये समझ जाओ कि इलिजिबिलिटी में जैसे आप 10+2 आपने पास कर रखा है, ग्रेजुएट हो, साथ ही साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज आपके पास होना एकदम कंपल्सरी है। चलिए, ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब मैं बता देती हूँ कि एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होता है ना, कैटेगरी वाइज क्या है। तो फ्रेंड्स, जनरल OBC एंड EWS को मिनिमम 50% आपको आना चाहिए एग्जाम में, तभी आप पास कर लाओगे। SC ST को 40%। देखो फ्रेंड्स,
जब एग्जाम होता है ना लास्ट ईयर वाली, तो उसके आधार पे बताया जाता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होगा, या फिर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें मेंशन होता है। पर ये जरूरी नहीं है कि हर 50% मार्क्स लाने वाले बच्चे पास हो जाएंगे। जैसा आप सभी को पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है, आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपेयर करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसके आधार पे ना कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कोई नहीं देखता है, आपका जो हाईएस्ट मार्क होगा ना उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सो एग्जाम की पैटर्न कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। सेकेंड स्टेज पे आपका होता है स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग होता है। तो स्किल टेस्ट में आप समझ ही गए होंगे कि टाइपिंग का टेस्ट होगा, इंग्लिश का 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, अगर हिंदी तो 30 वर्ड्स पर मिनट। टाइम आपको 20 मिनट्स का होगा स्किल टेस्ट के लिए। सो एग्जाम पैटर्न, स्किल टेस्ट, सब कुछ क्लियर है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि ये जो फॉर्म है ना, आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फिर जो आपने एप्लीकेशन डाउन, जो आपने फॉर्म वगैरह अप्लाई कर लिया, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी होगी। कहाँ पर भेजनी होगी? वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो हार्ड कॉपी भेजने का जो लास्ट डेट है ना, 8 जनवरी 2024 है। तो आप इतना लंबा इंतजार मत करो कि 29 को फॉर्म अप्लाई करोगे फिर जाके आप स्पीड पोस्ट या जो भी करोगे, जितना जल्दी हो फॉर्म अप्लाई करो और हार्ड कॉपी भेज ही दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने एग्जाम पैटर्न देखा, स्किल टेस्ट देखा, उसके बाद डीवी होगी, मेडिकल होगी, फिर ज्वाइनिंग के बाद सैलरी क्या मिलेगी, आइए तीनों पोस्ट के ऊपर मैं बता देती हूँ। एलडीसी के लिए आपको लेवल 2 की सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी 19,900 रुपीज एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस और पर ईयर इंक्रीमेंट के बाद 63,200 रुपीज की आपको सैलरी पर मंथ दी जाएगी। फिर यूडीसी के लिए लेवल 4 की सैलरी रहेगी, 25,500 रुपीज से स्टार्टिंग होगी और आफ्टर पर ईयर की इंक्रीमेंट पर मंथ आपको 81,100 रुपीज की सैलरी मिलने वाली है। स्टेनोग्राफर के लिए भी आपको लेवल 4 की सैलरी है, 25,500 से स्टार्टिंग होगा और हर साल बढ़ेगा सैलरी, उसके बाद आपका 81,100 रुपीज पर मंथ की सैलरी हो जाएगी। सो सैलरी देख के समझ में आ गया हो कि ग्रुप सी की वैकेंसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बस अपनी तैयारी की स्पीड को थोड़ी सी आप बूस्ट करो, प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, मॉडल पेपर वगैरह बनाओ, तब जाके आप एक सीट को अचीव कर सकते हो। हाँ, तो अभी आपके दिमाग में आ रहा हो कि टोटल कितने पोस्ट पे आए हैं, तो चलते चलते मैं आपको बता देती हूँ। एलडीसी के लिए फ्रेंड्स आपका 2 सीट, यूडीसी के लिए 2 सीट और स्टेनोग्राफर के लिए 3, मतलब ओवरऑल 7 सीट। तो अब आप सीट देखे ये मत सोचना कि मैम इतना कम सीट के लिए क्यों बता रहे हो, जब 2 सीट आए तो 2 सीट के लिए भी कोई ना कोई बच्चा तो अप्लाई करेगा ही। तो आप इसमें जरूर ट्राई करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर इसका पेपर वगैरह देना। सो आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताए हैं ICMR का जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में मैं आप समझ गए होंगे। कहीं पे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्वेरीज वगैरह हो, कमेंट सेक्शन में पूछना, अदरवाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, उससे थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना मेरे फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।